kindly subscribe to my channel Urusa's World and press the bell icon for more videos and updates. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel Urusa's World. कैसे हैं आप सब? I hope अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो जनाब, आज मौसम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है. तो बारिश हो गई थी अचानक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटा सा उसका व्लॉग बना लूँ. बहुत ही खूबसूरत मौसम था. फ्राइडे को ही बारिश हुई और पहले तो हल्के हल्के स्टार्ट हो गई और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी तूफ़ानी बारिश हो जाएगी सडनली. तो आप देख सकते हैं अभी तो ये दिन का टाइम है और एकदम ही रात होना स्टार्ट हो जाएगी. हालांकि ये बारिश 3 बजे से स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता गया और इतनी ठंडी बारिश थी, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया. आप देख सकते हैं कि आपको अभी लग रहा होगा रात का टाइम है, लेकिन ये रात का टाइम बिल्कुल नहीं, शाम का ही टाइम है. और यहाँ पे चाय बन रही है, बारिश और चाय और उसके साथ लवाजमात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हाथ की मज़ेदार सी चाय. बहुत ही मज़ा आया, सब ने बेहद इन्जॉय किया बारिश को, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद अगर बारिश हो जाती है ना तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है. और चाय के साथ हम लोगों ने साथ में लिए पकोड़े और फ्राइज़. और फ्राइज़ तो मुझे बेहद पसंद है. मुझे फ्राइज़ आप सिंपल सिर्फ केचप के साथ भी दे देना तो मुझे बेहद अच्छी लगती है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़े और ये मेयोनीज़ में गोभी डाल के बहुत ही अच्छे लगते हैं पकोड़े. और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हाथ की आलू की चाट, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकती हूँ. आप ज़रूर जाके देखिए और उसको ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी वो रेसिपी. बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही कमाल के बनते हैं ये. इसके अंदर मैंने इमली का पल्प डाला है और गर्मा गर्म आप इन आलू की चाट को खाइए और मज़े करिए. और बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने का तो मज़ा ही अलग होता है. बारिश और साथ में इस तरह के पकवान. बारिश इंजॉय की जा रही है, आप वेदर देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया. बारिश के बाद इतने अच्छे लगते हैं पौधे दरख्त, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं मज़ीद वो. ये बारिश हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कभी रुक जाती थी कभी हो जाती थी तेज़ तेज़, और रात तक यही सिलसिला चलता रहा. बारिश तो ऐसी चीज़ है कि आप बच्चे हों या बड़े हों सभी इंजॉय करते हैं इसको. और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ. मुझे बचपन से बारिश बहुत पसंद थी. जैसे ही बारिश स्टार्ट होती थी ना, बस जल्दी से हम लोग चेंज करते थे और ऊपर भाग जाते थे, चुपके से निकलते थे, क्योंकि अम्मी अक्सर रोकती थी कि बीमार हो जाओगे, क्योंकि हम लोग नाजुक बहुत हैं, हम लोग फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं. हल्की सी ठंड होती है और थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो जाता है ना तो हम लोगों पे बहुत इफ़ेक्ट होता है. तो अम्मी बहुत ज़्यादा रोकती थी और अब तो खैर बड़े हो गए ना, तो फिर अब आराम से चले जाते हैं कि अम्मी बस हम आ जाएंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे. और देखें आप कितना हसीन मौसम हो रहा है. और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता बारिश होना शुरू हो जाती है ऐसी. और अब जी ये रात का टाइम हो रहा है, बारिश कंटिन्यूसली होती जा रही है. फ्राइडे को अच्छा हमारे यहाँ डिनर में लाजमी बिरयानी बनती है, तो बिरयानी बनी और हमने बारिश में बिरयानी को एंजॉय किया. वरना ऐसा होता है नॉर्मली कि अगर बारिश का वेदर होता है तो हमारे यहाँ पराठे बनते हैं, आलू के पराठे हो गए, या फिर मैंने लास्ट टाइम चिकन टिक्का बनाया था बारिश में, तो आज हम बीफ बिरयानी खा रहे हैं इतने खूबसूरत मौसम में. लाइट नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद मौसम आपको पता है कि ठंडा हो जाता है. और आपको पता है कराची में तो ये हाल है कि हल्की सी भी बारिश हो तो पूरा दिन लाइट नहीं होती है. तो यहाँ पे अम्मी बिरयानी निकाल रही हैं और फिर हमने अपना मज़ेदार डिनर इन्जॉय किया. अम्मी के हाथ की बिरयानी की तो बात ही अलग है. ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है पिक्चर्स में भी, और इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. बकरा की दारी है, आप ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए. और डिनर के बाद मैं आपको जो अगली क्लिप्स दिखा रही हूँ ये सेकंड डे की है. ये रैम्बोज़ हम लोगों ने देखा सेकंड डे.
हम लोग छत पे गए, इतने खूबसूरत लग रहे थे, पिक्चर्स में इतने क्लियरली नज़र नहीं आ रहे लेकिन सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने तो फ़ौरन से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं इतना कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल रियल लगे लेकिन वीडियो में इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। और आप बादल से देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि सीनरी है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था व्यू। अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पे अब्दुल्ला बिलाल से मस्तियों में लगे हैं और ये मैं पिक्चर्स ले रही थी, इतने खूबसूरत लग रहा था मुझे सब कुछ। मुझे इस तरह का वेदर बेहद अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।